Idam sariram satasanji jar jaram patati avasam parinaham upeshalam kimau sadham prichasi muradurumati niramayam krishna rasayanam pivo Idam sariram satasanji jar jaram patati avasam parinaham upeshalam kimau sadham prichasi muradurumati Niramayam Krishna Rasayanam Pivo. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guruji ne bataye, humko koi birak disturb na kare, hum shanti se jindagi guzarna chahte. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Ji, Jagat Guru Ji ne bataye, jab humko koi disturb na kare, hum shanti se apna jindagi ko guzara karenge, koi disturb na kare mere ko. Gauriya Goshtipati Sisila Saraswati Thakur kehte hain, iska naam hai passive kaam. Jo vyakti भजन में आए हैं जो भक्ति भजन में नहीं आए तो वो बोल सकता अज्ञानी जो भजन में आए हैं उसका बाद भी ऐसा मापिक बोलते रहते हैं वो कोई झमेला में पड़ना नहीं चाहता शांति से जूझा कर जिंदगी प्रभुपाद कहते हैं ये भी एक पैसिव काम है एक्टिव काम से भी पैसिव काम और ज़्यादा खतरनाक है हृदय का अंदर अगर पैसिव काम रहे कदापि शुद्ध भक्ति का कोई चांस ही है नहीं शुद्ध भक्ति का कोई चांस ही है नहीं लेकिन ये कन्फ्यूजन फैक्टर है कोई कोई आदमी सोचता है ये तो ठीक ही है महाराज वो शांति से रहना चाहता है तो अच्छा है आपका हिसाब से लेकिन भजन का विचार किया जाए भजन का रास्ते से देश में ये विचार जो है ये पैसिव काम है हम शांति से जिएंगे ये भी पैसिव काम है क्योंकि शास्त्र में जब विचार है तुमार सेवाय दुखो है यतो सेहोत परम सुख भक्ति ठाकुर जी लिखे हैं ठाकुर जी आपका सेवा में जितना कष्ट होता है जितना तकलीफ उठाना पड़ता है फिर भी अच्छा है तुम्हार सेवाय दुख है यह तो श्योत परम सुख वो भी परम सुख महसूस होता है हाँ प्रीति का यही लक्षण है प्रीति का यही लक्षण है जो हमारा जिसका साथ प्रीति है जिसका ऊपर मेरा प्रीति चलता है चाहे जितना भी अपना कष्ट हो फिर भी लगता है अच्छा आनंद लगता है ये नियम है जागतिक ऐसा ही विचार है तुम्हार सेवाए दुखो है या तो सेव तो परम सुख ये बात को विचार करना और भगवत भक्तों का कभी भगवत सेवा में भगवत सेवा के विचार करने जाए तो ऐसा विचार कभी नहीं आता दो दिन का जिंदगी है जाना ही है और हरि भजन करते करते हमारा शरीर छूट जाए इससे बढ़कर आनंद का विषय क्या हो सकता प्रभुपाद जी ने बताते हमारा दो दिन का जिंदगी है और सेवा करते करते हमारा शरीर छूट गया तो इससे बढ़कर आनंद क्या है गुरु वैष्णव भगवान का आज्ञा पालन करते हुए मेरा शरीर चले अगर जाए तो ये तो अच्छा है इससे बढ़कर आनंद कुछ नहीं है जो श्लोक देके शुरुआत किया बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है बहुत याद रखना चाहिए इदम शरीरम सर सतसंधि जर्जरम
ये जो शरीर है हमारा, जिसका ऊपर मैं मेरा बात चल, मैं मेरा ये बात चलता है, ये शरीर को लेके, इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, ये 100 किस्म का ज्वाइंट है, संधि, यहां ज्वाइंट, यहां ज्वाइंट, यहां ज्वाइंट, यहां ज्वाइंट, और चारों ओर ज्वाइंट। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, जर्जरित हो गया, इतना ज्वाइंट है, जरा सा भी उल्टा आ गया बस तोड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतति अवश्यम, अवश्यमेव, अवश्य ये शरीर का पतन अवश्यंभावी, कोई रुक नहीं सकता, ये ध्रुव है। मितुर यन्मो बताम वीरो देहन स्वाय जायते, और गीता में पहले ही ठाकुर जी बताए, जन्म मृत्यु ध्रुवम, मृत्यु जन्म ये ध्रुव है, ध्रुव मतलब इसको तो कोई रोक नहीं सकता 100%। परिणाम पेशलम माने इसका तो सड़ विकार युक्त है, जन्म लेना और कुछ समय तक रहना, वृद्धि है, परिणाम है, अपक्षय है, मृत्यु, ये तमाम ये सब सरोरिपु नहीं, सरोरिपु तो है ही है, सरोरिपु का बात अभी उठाया नहीं, सरोविद विकार है, सरोरिपु तो आप जानते ही हो, इसके मारे तो ऐसे चल रहे चक्कर, अगर सरोरिपु नहीं होते तो कोई सब समस्या नहीं, सरोरिपु है तब ना इतना समस्या, सरोरिपु भी प्रकृति का इशारे पे चलते हैं, प्रकृति का जो त्रिगुण है इसका द्वारा ही तो ये स्वरूप कहां से आए, काम क्रोध लोभो मोह मदो मदो माश्चर्य सब आए, घेर के रखा है जीवात्मा को। प्रहलाद महाराज जैसा महात्मा ये सुंदर बताते हैं, जीव है कतो उच्चत विकर सति मा वितिप्ता शिष्ण अन्न तरस्तक उदरम श्रवणम कुतश्चित। ठाकुर जी को रो रो के कह रहे हैं नृसिंहदेव के ठाकुर, हम क्या करें, जीव भाई का तो उच्चुत विकर सति मा भी तृप्ता, हमारा जीव भाई एक तरफ ले जा रहे हैं, इसका कभी भी चैन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। जीव भाई का तो उच्चुत विकर सति मा भी तृप्ता शिष्ण अन्न तहस्तक उदरम श्रवणम कुदश्चित, समझा कितना सुंदर विचार है। शिष्ण अन्नत, शिष्ण जानते हो गुदा, एक तरफ खींच रहा है, लालसा है भोगने का, शिष्ण अन्नत स्तक उदरम, स्तक माने त्वचा, स्पर्श सुख पाने के लिए तरसते रहते हैं, उदरम उदरवेग कौन सहन कर सकता, उदरवेग जीव, ऐसे करके तमाम इंद्रियां जो है चारों ओर से खींच रहा है, और सरोरिपु तो घेर के रखा ही है, सबसे बड़ा शत्रु है, और इंद्रियोग्राम जितना है हमारा इंद्रियां, इसका एक एक पावी माने ये गद्दार है, गद्दार है, किसी भी तरीका से इसको विश्वास नहीं किया जाए, शास्त्र में है, भागवत में भी है, ये पंच, ये जो पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय है, मन है, मन को एकादश इंद्रिय कहा जाता है, इसको कभी भी विश्वास मत करो, कभी भी इसका विश्वास मत, विश्वास करोगे तो बस खत्म, ये गद्दार है, जितना भी इसको सुविधा दे दोगे, जितना फिर भी इसका चैन नहीं है बिल्कुल, हर वक्त चाहते मांगे इसका इनके जो मांगे हैं कभी पूरी नहीं होने, पूरा नहीं होने। इसी अवस्था में एक जीवात्मा का अवस्था है ऐसा,
मानो कि अनुभव कर लो कि आपको अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर में आपको डूबने का चक्कर आ गया, प्लेन क्रैश हुआ, या तो शिप यू नो शिप यू नो एकदम खराब हो गया और डूबने का चक्कर। ऐसा करके अगर पुकारोगे ठाकुर बचाओ बचाओ, कैसे, जैसे कि हम डूबते जा रहे हैं, जब तक ये अनुभव हृदय में जब तक ये अनुभव हृदय में उतर के नहीं आए, नहीं उतार आए, तब तक सोचो कि भजन एक तो मजाक है, ये मजाक है और कुछ नहीं। जब ये अनुभव करे जिस दिन कि हम डूबते जा रहे हैं, दिन पे दिन कोई रुकने वाला नहीं है, एक सहारा है गुरु वैष्णव भगवान, ऐसा करके जब पुकार लगाए, ये सबसे बड़ा चीज है। लेकिन किसी का अंदर में ये प्रश्न पूछताछ ये प्रश्न ये अनुभव नहीं आ रहे, तमाम दुनिया का तरफ से ये प्रश्न होनी चाहिए, हर कोई को हर जीवात्मा को ये अनुभव करना चाहिए, करनी चाहिए। मैं डूबते जा रहा हूँ, मेरा अनित्य शरीर है, कब क्या हो जाए ठिकाना नहीं, तो इसे अगर हरिभजन किया जाए तो ठीक है, नहीं तो गया और क्या। हरिभजन करते करते शरीर छूट गया तो इससे बढ़कर आनंद क्या हो सकता। तो इदम शरीरम सतसंधि अर्जुनम पतति अवश्यम, अवश्य गिरने वाला है, गिरने वाले में मरने परिणाम अपेशलम, इसका परिणाम है। धीरे धीरे जवानी आया, बाल्यावस्था से किशोर किशोर से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ऐसे करके परिणाम अपेशलम, ये परिणाम के द्वारा बाध्य है, कंपल्सरी परिणाम इसका है। जगत में कोई भी वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं ये जो बिना परिणाम रह जाए। और इस अवस्था में बेसहारा होकर क्या औषध दवा ढूंढ रहे हो, बेसहारा होके कौन सी दवा ढूंढ रहे हो, दवा तो एक ही है, किम औषधम पृच्छसी मुरो दुर्मते, हे मूर्ख दुर्मते, तुम्हारा दुर्मति है, बुद्धि खराब, डेंजरस बुद्धि, किम औषधम पृच्छसी मुड़ो दुर्मते, क्या पूछ रहे हो, निरामयम एक ही तो चीज है, दवा तो एक ही है, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबो, कृष्ण रसायनम पिबो, एक कृष्ण रसायन है, इसी को पान करो, कृष्ण रसायनम पिबो, कृष्ण का बारे में, कृष्ण का नाम गुण ये है, ये सब पान करो, भगवान का शिक्षा, भगवान का लीला, तमाम चीज को ध्यान देते हुए ये भवसागर अनायास पार होके जाने का व्यवस्था पड़ा हुआ है। लेकिन कौन देखे, देखे कौन, काल चर्चा हो रहा था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का अंदर में जितना सारे संशय संदेह, गुरु का काम यही है, हमने बताया गुरु का काम यही है, शिष्य का अंदर में अनुगत जन का अंदर में कोई संशय संदेह का कोई शेष ना रह जाए। दैवम एवा परे यज्ञम जोगिनः परजुपासते, ब्रह्माग्नो एव अपरे यज्ञम यज्ञ नैव उपजोहति, इसका बारे में चर्चा हुआ। दूसरे जोगी सब दैव एव यज्ञम दैव यज्ञ करते रहते हैं, देवता का नाम पे लेकर इसका यज्ञ करते रहते हैं, अग्नि में हवन घृताहुति परजुपासते अनुष्ठान करते रहते हैं। और दूसरा कोई कोई है अपरे
अन्न अपरे दूसरा लोक क्या एगो ब्रह्माग्नो ब्रह्माग्निति जजन ब्रह्माग्नो ब्रह्माग्निति जैसे पहले वाला श्लोक में बचाया ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ये ब्रह्माग्नो ब्रह्म रूप अग्नि में जजन करते रहते हैं यज्ञम उपयोति जोगों का जजन करते रहते हैं। जोगों का विशेष अर्थ भी काल चर्चा हुआ हो पाया काल जोगों क्या चीज है जोगों का एक्सटेंडेड फॉर्म जो जोगों का भाव क्या है कभी कभी कैसे कैसे बदल गया और हमारा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय ये तो एक ही योग मानते हैं वो है नाम संकीर्तन यज्ञ। सबसे बड़ा यज्ञ है नाम संकीर्तन यज्ञ, इससे बढ़कर कोई संकीर्तन यज्ञ नहीं है। जब यज्ञ भी भगवान कहे इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और वो बात कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में नाम संकीर्तन यज्ञ का जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित किए हैं ये यज्ञाग्नि कभी हम बुझने नहीं देंगे। ये यज्ञाग्नि इटर्नली प्रेजेंट है गोलोकधाम वृंदावन में भौमो वृंदावन भौमो नवद्वीप में शिवास आंगन में जो संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किए महाप्रभु ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में हम गौड़ियों वाले पक्का गौड़ियों वाले जो है अपना 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 जिंदगी को उत्सर्ग अर्थात हवन में डालने के लिए तैयार खड़ा है। संकीर्तन यज्ञाग्नि में जब तक हम अपना जीवन जिंदगी को निछावर ना करें तो हम गौड़ियों बोल के कोई परिचय देने का हक नहीं है। हमारा हिम्मत नहीं है हक नहीं है कि परिचय दे कि हम गौड़िया मटका है ये बोल नहीं सकता ये झूठा। पापा जी ने बताए हमारा गौड़िया मटका हमारा गौड़िया संप्रदाय का एक एक साधु ये जो संकीर्तन जो यज्ञाग्नि जो श्रीमान महाप्रभु जी ने शिवास आंगन नित्य राशस्थली शिवास आंगन में जो संकीर्तन जो यज्ञाग्नि का शिखा प्रज्वलन किए थे ये शिखा को हम लोग बुझने नहीं देंगे। परंपरा का अनुसार हम संकीर्तन करते रहेंगे और तैयार खड़ा रहेंगे कि कब जरूरी है ये प्राण को ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में डाल देंगे। ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में हम अपना जीवन जिंदगी को डाल देंगे ये सबसे बड़ा विचार है गौड़ीय मठ का गौड़ीय संप्रदाय सबसे बड़ा पोपत कह रहे जो व्यक्ति संकीर्तन यज्ञाग्नि में अपने को अपने को नाइट संकीर्तन यज्ञाग्नि अपने अपने को नहीं यू नो उत्सर्ग करते सेक्रीफाइस न करते फैस सेक्रीफाइस में तो ये गौड़ीय इसका अंदर में ये गौड़ीय मठ का नहीं है। गौड़ीय मठ का होने का ये सब विचार है कौन गौड़ीय मठ का है बाद में समय हो तो बताएंगे कैसे क्या क्या प्रभुपाद बताते रहते हैं बहुत सुंदर। तो ऐसा करके योगों का भी बहुत सारे कैसे कैसे समय समय पे योगों का थोड़ा जो भाव है बदल गया था लेकिन सबसे बड़ा हमारा संकीर्तन यज्ञाग्नि जो है इससे बढ़कर आज तक कोई योग्य नहीं हो पाए। क्यों संकीर्तन योग्य इज अ कंप्लीट संकीर्तन जोगो इट्सेल्फ कंप्लीट
संकीर्तन में ध्यान का जो विषय है ये भी समाहित है। सत्वयुग का जो ध्यान का प्रसंग है ये अनायास हमारा संकीर्तन के द्वारा और ज्यादा संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो सकता। और जो त्रेता युग में यज्ञ का प्रसंग आता है ये यज्ञ का प्रसंग भी आराम से अनायास ये संकीर्तन के द्वारा प्राप्त कर सकता। पोपा जी का विचार है ये संकीर्तन के द्वारा अनायास प्राप्त हो सकता जो कि त्रेता युग में इतना खर्चा करके इतना हंगामा करके जाग योगों का व्यवस्था असमय योगों करो ये करो वो करो इतना सारे व्यवस्था सारे हो जाएगा इन नाम संकीर्तन के द्वारा। दापर युग में जो अर्चन का व्यवस्था हो पाए ये व्यवस्था भी अर्चन भी हमारा संकीर्तन ही सबसे बड़ा अर्चन है। हमारा संकीर्तन ही सबसे बड़ा उपासना है अर्चन है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। संकीर्तन सबसे ऊपर है। कलौ तद हरिकीर्तनात् कृते यद् धायतो विष्णु तेतायम जजतो मखई है। दापरे या अर्चनात् कलौ तद् हरिकीर्तनात् हरिकीर्तन ये हरिकीर्तन का जो व्यवस्था है ये कंप्लीट है। प्रभुपाद जी ने बताया इससे बढ़कर कुछ यज्ञ नहीं हो सकता। कोई भी यज्ञ इससे बढ़कर नहीं। संकीर्तन यज्ञ सबसे ऊपर है। तो इधर जो चर्चा कर रहा था कोई कोई योगी दैव यज्ञ अनुष्ठान करे कोई कोई तो ब्रह्म रूप अग्नि में जैसे पहले बताया ब्रह्मार्पण ब्रह्माग्नि जो बताया आज यज्ञ द्वारा ही यज्ञ अर्पण करते रहते हैं आग में हवन करते अर्थात सर्वकर्म ब्रह्म में अर्पण कर देते हैं। ऐसा करके हम लोग देखा बहुत सारे यज्ञों का विधान है। दैव यज्ञ है ज्ञान यज्ञ है भक्ति यज्ञ है। दैव यज्ञ मतलब इंद्र आदि देवता का उद्देश्य में जो यज्ञ किया जाए ये दैव यज्ञ है। ब्रह्मार्पणम यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। ब्रह्माग्नि से जीवात्मा का आहुति है। ऐसा करके विचार करके हम दिखाया। और जो हम लोग जो भोजन करने बैठते हैं भोजन करने जब प्रसाद पाने बैठते हैं तो आचमन के द्वारा ये भावना होनी चाहिए कि हम ये जो भगवान का जो प्रसाद ये अपना आत्मा पे आहुति दे रहा हूँ। अगर समझे कि हम मीठा खाटा खा रहे हैं अगर हम सोच कि मीठा खाटा खा रहा है तो हो गया प्रसाद सेवा करित है सकल प्रपंच जय लिखा है ना कीर्तन में प्रसाद सेवा करित है सकल प्रपंच जय। ये जो प्रसाद सेवा करने से सकल प्रपंच जय हो जाता है हमारा लिए कि किसका लिए। ये प्रसाद सेवा करने से सकल प्रपंच जय हो कैसे हो जाए जब हमारा बुद्धि है ये परमान्न है ये खिचड़ान्न है ये चना रसा है ये लड्डू पेरा है तो तब तक ये प्रसाद तो
वंचना करके पीछे चला गया, प्रसाद दिखाई नहीं पड़े। प्रसाद सेवा करी तो है सकल प्रपंच जो है, तो मतलब तमाम प्रपंचों का जितना सारे माया है, प्रसाद सेवा करने से माया जो अनायास हो जाती। लेकिन हम तो अक्सर प्रसाद पाते रहते हैं, क्या हो गया हमारा प्रसाद, तो अक्सर पाते रहते हैं, कुछ नहीं होता, कैसे होगा प्रसाद, हो तब ना प्रसाद विचार हो, प्रसाद वास्तविक हो तब ना। तो जो प्रसाद पाते रहते हैं ये सोचते हैं कि हम ये जो प्रसाद है अपना आत्मा पे आहुति दे रहा हूं, इति अनेना ये इसके द्वारा अब्रह्म त्रिपंतु सारी तृप्ति हो जाए, ये पानी वो प्रसाद अन्न सब कुछ है, इसमें भोजन बुद्धि, हम भोक्ता प्रसाद पा रहे हैं, खा रहे खट्टा मीठा, ये विचार आ गया तो हो गया, अपना अपना प्राणों में मुंह में डाल के अंदर चलाया था। काल यह तक हुआ था श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी अन्य संयम अग्निशु ज्वहति, ऐसा बोला संयम अग्नि जो है अपना जो संजितेंद्रिय है, ये संयम अग्निशु जितना सारे इंद्रियों ग्राम है उसको संयम अग्नि में हवन कर दिया ताकि हमारा कोई मुश्किल ना हो पाए। श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी अन्य संयम अग्निशु जुहत्वी हवन कर दिया, और दूसरे हैं कि शब्दादीनो विषयान अन्न इंद्रियाग्निशु जुहति, विचार करके देखना, और शब्दादि जो विषय है जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ना, ये अभी बताया जीव भई कतोच्युत विकर सती मा वितिप्ता शिष्ण अन्न तहस्तक उदरम सवनम कुतश्चि घान अन्नत दृक्ष चपल च कर्म शक्तिर बहवो सपत्न एव गृहपतिम लुलंती। प्रहलाद महाराज कह रहे कि महाराज भगवान हमारा सारे इंद्रिया जो हैं जैसे एक व्यक्ति का 6 पत्नी है, एक एक जगह से खींच रहा है, गृहपतिम लुलंती भगवपति के लूट कर रहा है, ऐसा हालत है मेरा, कहां जाऊं मैं, घ्राण अन्नतः चपलद्रिक कौच कर्म शक्ति, घ्राण ये घ्राण शक्ति दूसरा औजार है, चपलद्रिक हमारा चंचल दर्शन इधर उधर देखते रहते। जब पक्का वैष्णव है साधु है हमारा सामने है, उसका दर्शन क्या है ये विचार करने करके अपना अंदर में परिवर्तन लाना चाहिए। बाहर में हम देखा से भक्ति प्रमोदपुरी ऋषि महाराज भक्ति वल्लभ तो सब ये सब जो परम बामन गुस्से में क्या दर्शन है, जो दर्शन हमको टट्टी पे सब दर्शन कराएंगे ये दर्शन का क्या वैल्यू है, जो दर्शन मेरे को माया का चीज दर्शन करने के लिए मजबूर कर देंगे ये दर्शन आखिर लेके क्या करे। दर्शन तो सबको ही का है, क्या शेर का दर्शन नहीं है, गीदर का दर्शन नहीं है, कौवा का दर्शन नहीं है, क्या आंखें हैं तो दर्शन जरूर है, दर्शन किसको बोलते हैं, सांप का दर्शन नहीं है, आंखें हैं तो दर्शन है, लेकिन इसका जो दर्शन है गिरा हुआ दर्शन है तो दर्शन हर कोई का दर्शन है लेकिन ये गिरा हुआ दर्शन है, ये इसके द्वारा इतना नीचा चीज दर्शन हो जाए, मैटर मैटर एंड मैटर। अब प्रहलाद महाराज कितना सुंदर कह रहे हैं कि घ्राण मेरे को ये ओर खींच रहा है, हमारा आंखें इस ओर खींच रहा है, हमारा त्वचा इस ओर खींच रहा है, हमारा नास ऐसा करके हम मुसीबत में फंसे हैं ठाकुर जी, हम बेसहारा बन के रह गया।
अब आपका कोई निजी जन है तो कृपा करके मेरे को व्यवस्था करो। कीर्तन में भक्तिविनोद ठाकुर इतना सुंदर लिखे हैं, सिर्फ कीर्तन करके सिद्ध महात्मा बन जाए, सिर्फ कीर्तन। हम वैसा समय बैठ के प्रतिज्ञा करके कहते, सिर्फ कीर्तन करके सिद्ध महात्मा बन जाए, कीर्तन करे जप करे बस, और कुछ दरकारी है नहीं। एमोनो दुर्मति संसारो भीतरे परियाया छिनुयामी तब निज जन कोनो महाजने पठाइया दिले तुमी दया करी मोरे पति तो देखिया कहिलो यामारे गिया ओहे दिन जन सुनो भालो कथा उल्लसित तो होबे हिया। क्या सुना नहीं, पहली बार सुन रहा है जिंदगी में, पहली बार सुन रहा है, पागल कहीं का दिखता ही नहीं, कोई समय नहीं है, इतना चंचल है। कीर्तन कर दे दिल प्रसन्न हो जाए, सिर्फ कीर्तन, हमको छोड़ दो, हरि कथा पति बंद कर दो, सिर्फ कीर्तन करके हम चले जाएंगे। ये तो ठाकुर जी का व्यवस्था, अपने समझे और दूसरे को समझाने का कोशिश करे, यही तो। जो अपने समझा नहीं वो कैसे समझे, संभव नहीं। तो ऐसा है, इसमें जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तमाम इंद्रियां जो है चारों ओर से खींच रहा है, बेसहारा बन के रह गया। ठाकुर जी आप अगर बताओ, कृपा करके आपका कोई निजी जन अगर भेज दिया तो होगा, नहीं तो हो, भगवान का निजी जन का कृपा पाप तो हो, तो हो जाएगा बेरा पार, नहीं तो। तुलसीदास जी भी बार बार कहें, बहुत सारे तमाम शास्त्रों के तुलसीदास जी भी कहें, बिनु सत्संग तरई न कोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुना ना, बिनु सत्संग तरई न कोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान का कृपा जरूरी है, सत्संग भी ऐसा आसान नहीं, पैसा है प्रणामी डाल देंगे हो जाएगा साधु, हाँ बाजार का साधु मिल जाए। तो ऐसा करके देखा तो ये यज्ञ चल रहा है, दैव यज्ञ, और विचार बता रहा था शब्दादीन विषयान अन्न इंद्रिया इंद्रियाग्निश जो हथी, ऐसा भी कोई कोई है बड़ा ऊंचा उसका अवस्था, जो इंद्रियागण जो है, जितना सारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा जो प्रसाद का रूप से जो आते रहते हैं वो गुण करते रहते हैं। इसका अंदर में कोई चंचल भाव नहीं है बिल्कुल। इंद्रियादीनो विषयानि अन्य इंद्रियाग्निषु युहत्पि, पहले वाला जो बोला इसका लगता है कि ये जस्ट ऑपोजिट, इंद्रियादीनि सोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहति, ये संयम अग्नि में तमाम इंद्रियों का जो प्रभाव है सबको डाल दिया, संयम अग्नि में वो समा गया बिल्कुल, कोई कुछ हिम्मत ही नहीं रहा। संयम अग्नि में पूरा आहुति दे दिया वो, उसका बिल्कुल कुछ नहीं करे बेईमानी। और अगर ऐसा लगे कि शब्दादीन विषयानि अन्य, जितना सारे शब्द आदि विषय है, इसको तमाम हमारा जो रेस्पेक्टिव इंद्रिय है, आंखों का विषय है देखना मजा लेना, त्वचा का मजाक है आनंद लेना स्पर्श आनंद, ये सारे जो रेस्पेक्टिव इंद्रियों का जो विषय है, कोई अगर ऐसा महात्मा है तो महात्मा ही है। शब्दादीन विषयान अन्य है ना, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निश जो हथी, वो इंद्रिया जितना है जो समाम इंद्रियों को
प्रसाद बुद्धि लेकर सब दे, खा ले ले परमानंद ले ले, दे ठाकुर जी का सुंदर रूप देख ले, चल परिक्रमा लगा ले पैर देखे, ओ हाथ देखे, थोड़ा मंजन कर ले ठाकुर जी का, ऐसा करके जितना सारे इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियो पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो, सबको प्रसाद में लगा दिया तो और कोई समस्या नहीं। जब प्रसाद सेवा करी तो है सकल प्रपंच जो है बोल दिया ना, और हमारा उद्धव जी महाराज भी बोला, क्या बोला, बोले आपका सारे प्रसाद सेवा करते करते सगंध मान लो, ये सारे प्रसाद को ग्रहण करते हुए प्रपंचों को जय कर दिया। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि तबो मया जय मही सगंध अलंक वास सग्यंत वास अलंकार चर्चिता, आपका ये प्रसादी चंदन है, आपका प्रसादी माला है, कपड़ा है, क्या कुछ नहीं है, सब आपका उच्छिष्ट भोजन है, सब ये प्रसाद तमाम इंद्रियों को हम दे दिए। अब प्रसाद का प्रभाव तो प्रसाद का पड़ेगा ही, अगर विश्वास अगर है तो, विश्वास नहीं है तो थोड़ा विश्वप्रसाद का तो है ही प्रभाव, सुकृति और नहीं तो भक्ति, प्रसाद सेवा कर करने से भक्ति भी हो जाता, ऐसा अगर विश्वास है तो, नहीं तो सुकृति बन के रह जाए। ऐसा करके देखा प्रहलाद, हमारा उद्धव जी महाराज भी बोले ये आपका तवो माया जय मही, आपका माया जर जय करके रख देंगे बिल्कुल, तवो माया जय मही, हम लोग से जय कर दिया, जय करके रख देंगे। तो ऐसा अगर कोई महात्मा, महात्मा तो है ही है, इस किसका हिम्मत है बताओ, किसका हिम्मत है जो तमाम इंद्रियों को अपना इंद्रियों का विषय देते रहे और ये सोचते रहेगा हम कुछ भी नहीं, हम भोक्ता नहीं है, कौन है ऐसा कोई है? प्रसाद बुद्धि लेके ग्रहण करे तो अच्छा, जब भी ऐसा प्रसाद का बात बता नहीं तो प्रसाद ही ऐसे ही हुआ भाव, इंद्रिया, क्योंकि ये तमाम इंद्रियों का विषय अगर बिना प्रसाद भाव से लोगे ये तो कंटामिनेशन जरूर होना है, होना ही है ना, तो ये प्रसाद का बात तो लिखा नहीं, फिर भी अनुभव तो यही आ गया, ठाकुर जी ने ये अनुभव दिया, ये कैसे संभव है? इंद्रिया तमाम इंद्रियों का एक एक करके वस्तु को हम देंगे और हमारा प्रसाद बुद्धि नहीं है, और फिर हम बोलेंगे इंद्रियों को दबा के रखेंगे, कैसे संभव? एकमात्र यही है, जैसे भक्ति ठाकुर जी है, शिवास आचार्य जी है, शिवानंद सेम जी है, तमाम ये सब गृहस्थी बन के रहे, गृहस्थी बन के रहे, लेकिन ये लोगों का अंदर में इतना खमता है कि साधु संत भी इसका संदेह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर पक्का साधु संग तो ठीक है, चरण चरण का धूली बन जाए शिवास पंडित, और नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा तो बहुत देखे त्यागी महात्मा, सब ठाकुर जी को भी त्याग करके रख दिया, इतना बहुत त्यागी महात्मा देखे जो भगवान का भी त्याग कर दिया, गुरु को भगवान को सब त्याग कर दिया, और त्यागी महात्मा है। तो समझ में आई बात, समझ में, शब्दादीन विषयानि अन्न इंद्रियाग्निश जुहति, ऐसा भी करते हैं, और उसका बाद सर्वाणी इंद्रियो कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्मो संयम जोगाग्नो जुहति ज्ञानो दीपिते, ज्ञानो दीपिते, बड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा कोई कोई है सर्वाणी समस्त इंद्रियाणी इंद्रियोगनेर कर्म, इंद्रियोगनों का कर्म जो है प्राण कर्माणी च, ओ प्राणादि वायु कर्म कर्मों जो जो चलते रहते हमारा शरीर में,
प्राण कर्माणि च ज्ञान दीपिते, ज्ञान के दीप्ति उज्जवल भाव के द्वारा, प्रभाव के द्वारा, ज्ञान दीपिते मतलब ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का उज्जवल किरण के द्वारा, तेज के द्वारा आत्मोसंयम जोगाग्नौ, आत्मोसंयम रूपी जोगाग्नि ते ज्योति होम कर देते हैं। सर्वाणी इंद्रियो कर्माणि, ये तो समझ में आया आपका जरूर। सर्वाणी इंद्रियो कर्माणि, तमाम इंद्रियों का जो कर्म है ये तो समझ में आया। इंद्रिय कर्म जैसे चक्षु कर्णादि अपना अपना काम करते रहे, ये तो सीधा बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। लेकिन दूसरा जो है प्राण कर्माणि चापरे, ये समझा नहीं, ये प्राण कर्म क्या है हमारा, ये सुना नहीं। ये प्राण कर्म है हमारा शरीर में जो आत्मो वस्तु है, आत्मा ये तो है ही है। महाप्रभु जी ने बताया कि एक छोटा सा आत्मा होने के कारण तमाम शरीर का कोने कोने में प्रभाव फैल रहा है। है तो एक जगह आत्मा व्याप्त तो होकर रहता है, वो कैसे, मतलब पंच वायु के प्रभाव के द्वारा। इसका प्रभाव से पंच वायु, पंच प्राण वायु कहते हैं ना, ये प्राण वायु पंच कर्म करते रहते हैं, प्राण कर्म इसको बोला जाता है। प्राण वायु पंच कर्म क्या क्या है, ये पहले तो बात है। पंच वायु जो है इसका नाम क्या है, बोले प्राण अपान, प्राण अपान बान उदान समान, ये मनुष्य शरीर में होते रहे, ये तो होता ही है। और प्राण वायु मुख्य वायु जो निकल गया तो इसका साथ साथ आत्मा भी निकल जाते हैं, जानकारी तो है ही है। प्राण वायु निकल जाते, कभी कभी मरने वाले का कभी कभी आंखों से आत्मा निकल जाता है, कानों से, मुंह से, पायु से भी निकल जाता है, नाक से भी निकल जाता है। आत्मा तो निकलने का गेट चाहिए ना, ये गेट है हमारा, हमारा गेट है ये गेट, पांच गेटों से एक गेट से निकल जाएगा आत्मा। चक्षु कर्ण नासिका, ये जो है चक्षु कर्ण नासिका वायु, ये सब जो है ना, ये बड़ा खतरनाक, इसे आत्मा निकल जाए। ये जो प्राण वायु का संचालन है ये कैसा किस्म का है, ये प्राण वायु का जो संचालन है ये कैसा किस्म का है। ऐसे तो वायु हमने बता दिया, प्राण अपान बान उदान समान, ये मुख्य प्राण वायु ये है। प्राण वायु इसका काम है वायु को बाहर में फेंकना, अपान वायु का कर्म है अधोनयन, अंदर में वायु को फ्रेश ताजा वायु को अंदर में लेना। और बान वायु का कर्म है अकुंचन, अकुंचन माने कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन जानते हो, संकोचन प्रसारण, बान का कर्म है अकुंचन अप्रसारण। हमारा ये जो हार्ट है, जब भी ये बायोलॉजिकल साइंस नहीं बता रहा हूं फिर भी बीच में आ गया, जानना जरूरी है। नीचे का पोर्शन में जो लीवर आदि सब कुछ है, लीवर है, फूड सैक है, पाकस्थली है, अग्नाशय है, सब नीचे। और हार्ट का ये जो पिंजरा है ना हमारा, जिसका अंदर में लंग्स और हार्ट रहता, इसका बराबर से एक तो झिल्ली है, एक तो जैसे बैलून है ना, बैलून जानते हो हैं, बच्चा लोग खेलते हैं बैलून लेके, ऐसा में एक तो डिप्रागम है, एक तो पार्टीशन है पतला झिल्ली, और ये पार्टीशन करके रखते हैं, बहुत सुंदर भगवान का बनाया हुआ चीज़ है। जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी करो,
ठाकुर जी का साइंस है टेक्नोलॉजी के सामने पेशाब का भी बराबर नहीं है। देखो कीड़े कीड़े मकोड़े हैं, एक कोसी अमीबा है, अरे कितना करके बना के रख दिया ठाकुर जी। और एक एक पक्षी पंछी देखो, अरे लाल पीला हरा सात आठ किस्म का रंग है, अरे कोई कर सके, कोई आर्टिस्ट है बना के दिखाए? किसी का हिम्मत नहीं है ठाकुर जी का बराबरी करे। हम तो सोचते रह जाते महाराज ये छोटा सा कीड़े मकोड़े है, इसका अंदर में हार्ट है कि क्या है कौन जाने, साइंटिस्ट लोग तो बोलता नहीं इसका अंदर में हार्ट है कि पाकिस्तानी है क्या है, इतना सा छोटा जगह है, वायरस है बैक्टीरिया कोरोना, अरे बाप रे बाप, ये तो रावण से भी बढ़ के, ये सारा पृथ्वी रावण ने मारा नहीं, ये तो मार ही रख दिया। तो देखो एक एक करके ठाकुर जी का जो प्रभाव है, हैरान होने वाला बात है, अरे बाप रे इतना प्रभाव है, कितना सृष्टि है बाबू ठाकुर जी का, इस सृष्टि देख के हैरान हो जाते हैं हम। सब रिलेटिव वर्ल्ड ना, हम सोचते कि कीड़े मकोड़े इतना छोटा है, अरे हमको देख भी किसी किसी आदमी ने दूसरा प्लेनेट का है वो हंसी उड़ाता है, ये आदमी है क्या है, ये कीड़े मकोड़े क्या है, एलियन है ना, दूसरा उपग्रह का ग्रह का दूसरा पृथ्वी का कोई आए तो आके बोली क्या है इतना छोटा छोटा क्या है, तो रिलेटिव वर्ल्ड है, ये रिलेटिव वर्ल्ड है, इसमें फंसना बिल्कुल नहीं, ये रिलेटिव वर्ल्ड है इसमें फंसना बिल्कुल नहीं, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, सब खेल खेल में है, सब आंख मिचोली खेल रहे, कुछ नहीं है, सब फाका, जब जाओगे जगत से सब फाका, कहाँ हस्बैंड गया, कहाँ बच्चा गया, अरे सब मेरा बच्चा सब गया, चले जाओ हो गया तुम्हारा टिकट खत्म। तो ये प्राण वायु का जो बहिर्नयन अर्थात वायु को बाहर फेंकना, अपान कर्म अधोनयन अंदर में लेना, और बाण इस डिप्राघम है, इस सेल है, एक तो झिल्ली है, अकुंचन प्रसारण, और अकुंचन प्रसारण अगर नहीं है तो सारी जगह अकुंचन प्रसारण हो रहा है, पता नहीं है हमारा जो फुटसैक है पाकस्थली है इसमें भी कंट्रैक्शन प्रसारण होते रहते हैं, और जगह जगह से हार्मोन निकल रहे थे, एंजाइम हार्मोन जो निकलते, ठाकुर जी का व्यवस्था किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया, थायराइड निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथ से, ये वो निकलते रहते हैं अपने आप, हमारा कोई चिंता ही नहीं, अपने आप होते रहता है, कौन किसका कब क्या काम है वो करते रहते। तो बाण वायु का कुंचन प्रसारण और समान समान वायु का काम है कर्मो भुक्त पदार्थों जो भोजन किया उसका परिपाक करण, डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन अगर ना हो, जो खाद्य वस्तु प्रसाद आदि ग्रहण किए डाइजेशन अगर ना हो तो एसिमिलेशन होना संभव नहीं, आत्तीकरण, डाइजेशन होने के बाद ही वो उसका जो पच गए जो सेपरेशन हो जाता है एक्सट्रैक्ट मलमूत्र होके, बाकी जो सारांश है वो खून के द्वारा तमाम कोशों कोशों में पहुंचा देने का काम है तमाम। तो समान वायु का काम है ये परिपाक में सहायता करना, उसके बाद डाइजेशन, इसका मतलब डाइजेशन करना, उसके बाद एसिमिलेशन अतिकरण, उसका जो सारांश है कोशों कोशों में पहुंच जाए, और उदान का कर्म है ऊर्ध्वनयन, ये है समस्त प्राण का कर्म है, प्राण जितना सारे वायु संचालित होते रहते हैं सब काम है। तो आत्मो संयम योगाग्नौ, इसका माने क्या है, आत्मो संयमो योग अग्नौ, इसका तात्पर्य है आत्मान आत्मनि संयमः, अपने आप में आत्मा में जो कंसंट्रेशन, आत्मनि संयमः ध्यानैकाग्रम, ध्यानैकाग्रम स एव योगः
समाधि रीति अर्थ स एव अग्नि तस्मिन्। ये किसने माने किया? हमने नहीं माने किया, सिले सीधा साईपाद जी ने, हम उनका नौकर है, बता दिया। सीधा साईपाद कहते हैं आत्मनि आत्मा में चित्तों को एकाग्र रूप से धारण करना आत्मसंयम योग है, और योग शास्त्र में ये धारणा ध्यान धारणा समाधि तीनों वस्तु है कार्य। अगर एक वस्तु का संबंध में अभ्यास हो जाए तो संयम पक्का। समझा मेरा बात? समझा? आई बात समझ में? नहीं। ध्यान धारणा समाधि, कोई वस्तु का धारणा हो जाए, धारणा का अंग्रेजी अर्थ तो कंसेप्शन, लेकिन ये कंसेप्शन पक्का नहीं। अंग्रेजी बात ये संस्कृत में लगाने जाए बिकॉज टोटली फेलियर, टोटली फेलियर। इंग्लिश लैंग्वेज सो इनकम्प्लीट, सो बेकार लैंग्वेज है, इसका प्रोनाउंसिएशन की भी कोई जगह नहीं, कुछ नहीं है, मलेच्छ लैंग्वेज, इसका अंदर कुछ नहीं रखा। से भी ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमको भी बोलना पड़ता है। ये उच्चारण का कोई, जैसे एक उदाहरण दिया समझो, अब बोले महाराज बेकार बात बता दी, नहीं बेकार नहीं बताया, ध्यान दियो। जैसे हम बोला कि कमल उच्चारण कर, कमल के एम एल है, के एम एल है कमल, है ना, कमल कमला, ऐसे उच्चारण जो है ये सब एक ही जगह से हो रहा है, वो इसका लिए कोई अलग कुछ नहीं है। हम लोग बचपन में लिखते थे पोस्ट ऑफिस बाग बाजार, बी ए तो बैग होता है, हमारा बैखनस महाराज जी उड़ीसा का बड़ा राजपंडित थे, वो सोचे कि वो हर वक्त ओडिया में कभी कभी ज्यादातर संस्कृत में प्रवचन करते थे। भाई इतना सीधा संस्कृत है, इतना सरल संस्कृत है, बच्चा भी समझ जाए, और ओडिया में भी कहते थे। कभी इच्छा हुआ कि थोड़ा अंग्रेजी सीख ले, अंग्रेजी सीखने गया तो भारती महाराज कहते थे हंसते हंसते, बोले सीखने गया तो बोला ये उच्चारण का कोई स्थान नहीं है महाराज, ये क्या बात है, ये जो है बी ए जी बैग, बी ए जी बाग, ये क्या बात है, तत् बेकार है, ये बेकार कुछ नहीं है। कंप्यूटर जो अंग्रेजी लैंग्वेज समझते हैं ये तो निरुपाय है, कोई उपाय नहीं है। कंप्यूटर का कोड लैंग्वेज अंग्रेजी, लेकिन फ्यूचर अगले 50 सालों में संस्कृत हो जाएगा कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि जो सिग्नल एक्यूरेट एकदम प्रोनाउंसिएशन अगले 50 सालों का अंदर ये चेंज हो रहा है, साइंटिस्ट लोग चिंता कर रहे हैं, अंग्रेजी नहीं, अब परफेक्शन आएगा संस्कृत में, संस्कृत लैंग्वेज को फेट करो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। जो भी है बीच में आ गया तो कह दिया है कमला कमल है ये सब एक ही उच्चारण, लेकिन ये वो मुश्किल है, कमला कमला कमल सब एक ही उच्चारण है, कमाल सब एक ही उच्चारण, तो मतलब कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। तो ये जो है हमने देखा कि ये जो आपका धारणा, धारणा माने कंसेप्शन अंग्रेजी में, लेकिन धारणा आप जानते हो जिसका विषय में कोई धारणा नहीं है तो उसको ध्यान कैसे करोगे, तो पैसे धारणा संधारे धिया, धारणा पहले चाहिए, संधारे धिया धारणा चाहिए, और धारणा का बात थोड़ा कंसेंट्रेशन हो तो ध्यान जमेगा, और ध्यान अगर ध्येय वस्तु का साथ आपका एकतान हो गया, ध्येय वस्तु का साथ आपका एकतान हुआ, बराबर हो गया, कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं, तो इसको समाधि बोला जाता है। समझा बेना? आई बात समझ में? तो जिसका कोई धारणा ही नहीं है तो ध्यान कैसे जमाए, और ध्यान ही नहीं है तो समाधि कहां का, काय का समाधि आया। तो कहने का तात्पर्य ये है,
अगर धारणा ध्यान समाधि तीन कार्यों एक वस्तु का संबंध में एकतान बन गया, इसमें संयम बोला जाता है। ये अभ्यास बनने से संयम हो जाता है। तमाम इंद्रियां मन का वृत्ति सारी अगर एक भगवान का चिंतन तत्व का चिंतन हर वक्त एक चीज में लगे हुए हैं तो उसका तो महाराज सहज समाधि, इसको बोला जाता है सहज समाधि। समझे नहीं बात को? एक है सहज समाधि, एक है जोर जबरदस्ती समाधि। हमारा दयामयी राधा रानी गोपियों का सहज समाधि है, आंखें खुल के समाधि में लग जाते हैं। आंखें मूंदने का दरकार नहीं है, प्रभुपाद को आंखें मूंदने का दरकार नहीं है, आंखें खुल के ध्यान कर देते हैं। और कोई योगी ज्ञानी नहीं है ऐसा ध्यान जमा सकता है जैसे प्रभुपाद कर सके। अरे किसी बाप का हिम्मत है? यदि हरिकथा चल रहा है जन्मादस्यो जैसा ऐसा टिपिकल श्लोक का व्याख्या एक महीना झूलन बारी ढाका में और एक ही साथ नाम यज्ञ चल रहा है। अरे बाप रे बाप रे बाप। गुरु जी कहते थे महाराज सुबह का टाइम में प्रभुपाद लॉन में पहलदारी करते थे हरिनाम लेके, क्योंकि हर वक्त बैठे काम करते थे सेवा, कभी कभी चल के हरिनाम करते। और इस टाइम में सुंदरानंद विद्या विनोद, अब तो विद्या विनोद रही ना, अविद्या विनोद हो गया शायद, आप ही जानो, तो वो है। और सारे हमारा गुरुजी प्रणवानंद जी और दो एक सेवक है और डायरी लेके प्रभुपाद के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। वो जाने अभी प्रभुपाद कुछ कहेंगे जरूर। अब हरिनामी चल रहा है और प्रभुपाद कह रहे हैं कि गौड़ीय पत्रिका का आर्टिकल दे रहे हैं, किसी को नदिया प्रकाश का आर्टिकल दे रहे हैं, और है तो गुरुजी को किसी किताब का कोटेशन लिखा रहे लिखो। गुरुजी बोले हम जिंदगी में सोच भी नहीं सकता कोई स्वर्ग से देवता है उसका लिए भी असंभव है। अरे एक चीज में ध्यान नहीं। हाँ सुंदरन जी आप कितना तक लिखा? अच्छा 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 लिखो इसका बात। प्रणवानंद तुम्हारा कितना तक लिखा हुआ? इतना। अच्छा लिखो। अरे बाप रे बाप रे बाप, हम तो सोच के पागल हो जाए, इसी खानदान का मैं ही हूं, इतना पतित इसी खानदान का हूं मैं, हरे राम राम, कैसे हो सकता। तो धारणा ध्यान समाधि ये एक वस्तु संबंध में अभ्यास हो जाए, एकतान बन जाए, तो मतलब को मानो कि सक्सेस हो गया संयम। जोग सूत्र में एक है त्रयम एकत्र संयम, जोग सूत्र है पतंजल जोग सूत्र आदि सब जोग सूत्र है, उसमें त्रयम एकत्र संयम ऐसा लिखा है। तो योग के द्वारा धारणा ध्यान आदि आत्मा का संबंध में प्रयुक्त होने से वो आत्म संयम खोद ही बन जाता अपने आप। इसी को ज्ञान दीपितो ऐसे जो बोला ना, ये जो बताया जो ज्ञान ज्योति ज्ञान दीपिते आत्मो संयम अग्नौ ज्योति ज्ञान दीपिते, ये इसका मानी ये है। ऐसा प्रभाव के द्वारा ज्ञान के प्रभाव के द्वारा ये उज्जवल ज्योति इसका प्रभाव से बाकी जो दुर्गुण है सारे समाप्त हो जाता। आत्मोस आत्मो संयम अग्नौ ज्योति ज्ञान दीपिते, यस ऐसे ही है। आत्मज्ञान के द्वारा प्रज्वलित जो ज्ञान का प्रवाह है इसमें सारे समाधान बन जाता, उज्जवल भावापन्नो यही माने। ऐसा करके बाकी दूसरा श्लोक पे भगवान कह रहे हैं कि द्रव्यो यज्ञः तपो यज्ञः योगो यज्ञः तथा परे, समझा? द्रव्यो यज्ञः तपो यज्ञः योगो यज्ञः तथा परे, द्रव्यो यज्ञः तपो यज्ञः योगो यज्ञः तथा परे
श्राद्धायो ज्ञानो यज्ञाश्च यतयोः संस्कृतो व्रतः। द्रव्य योग क्या है, काल भी बताया था बहुत। ये हम जो योग्य करने जाते हैं द्रव्य योग्य, इसमें तमाम द्रव्य आर्टिकल्स तमाम द्रव्य योग्य हो जाता है ना, तमाम योग्य योग्यों में सारे द्रव्य लगता है। ये द्रव्य योग्य द्रव्य दानमेव यज्ञो जेसाम ते द्रव्य योग्य द्रव्य दानो है ना। द्रव्य योग्य बहुत सारे द्रव्य योग्य परायण व्यक्ति है, द्रव्य योग्य करते हैं, द्रव्य दान कर दिया, द्रव्यों का हवन कर दिया, गीता और सब कर दिया। ऐसा करते करते द्रव्य ना, जैसे द्रव्य योग्य क्या है बच्चे, द्रव्य योग्य है जो द्रव्यो द्रव्य योग्य मतलब द्रव्य दानमेव यज्ञो जेसाम, द्रव्य आदि दान करने का जो विषय है यज्ञ भगवत पित्वार्थे, ये बन गया द्रव्य योग्य। माने ये हुआ द्रव्य दानमेव यज्ञो जेसाम ते द्रव्य योग्य, ये द्रव्य योग्य, ये द्रव्य दान इत्यादि यज्ञ द्रव्य योग्य परायण व्यक्ति। अश्रद्धायो ज्ञान योग्य मतलब शास्त्रादि वेदादि अभ्यास, श्रद्धाय अध्याय निरुद्धाय, ऐसा श्रद्धाय माने ये भी एक तपस्या है। वाह वाह, रोज इनो ये सब जो संत महात्मा है पक्का, वो समय से पक्का है एकदम, एक एक सेकंड भी खराब नहीं करे, एक सेकंड खराब नहीं, वो श्रद्धाय अध्याय निरुद्धाय सब चलते रहते हैं हर वक्त, नाम जोगो जप जोगो सब करते रहते हर वक्त। श्रद्धायो ज्ञान यज्ञा, इसका मतलब वेदोभ्यास उपनिषद आदि अभ्यास, वेदोभ्यासो यज्ञो जेसाम ते श्रद्धा यज्ञा। और शास्त्रों का अर्थों का अनुभव करना ये ज्ञान योग्य, ये शास्त्रों का शास्त्रार्थो परिज्ञानम, शास्त्रों का अर्थो इसका एसिमिलेशन डाइजेशन एसिमिलेशन अनुभव में लाना, ये ज्ञान बन के रह जाता है, ये ज्ञान योग्य है। शास्त्रार्थो परिज्ञानम यज्ञो येषाम ते ज्ञान योग्य। शंकराचार्य जी ऐसा और शायद तो शंकराचार्य जो ठीक है, लेकिन ये माने ठीक ही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसा करके कोई कोई वेदादि अभ्यास यज्ञ, और नहीं तो कोई कोई वेदार्थ ज्ञान वेदादि शुभ वेद वेद वेदांत आदि सब, उसका अर्थों का ज्ञान अनुभव में, अर्थों का जो जो ज्ञान है अनुभव में लाना, इसका अनुभव में ज्ञान, ये ज्ञान रूप यज्ञों का अनुष्ठाता। और संस्कृतो व्रतहा मतलब, संस्कृतो व्रतहा मतलब सम्मक शीतम तिक्निक कृतम व्रतम जेसम ते, सीधा साईपद शंकर एक ही अर्थ किया दीर्भवत, इसका मतलब संस्कृतो व्रतहा मतलब, संस्कृतो व्रता का मतलब है पूरा एकदम संकल्प बनाने, दृढ़ संकल्प, दृढ़ व्रत, स्ट्रांग रेजोल्यूशन लेके बैठा है, दृढ़ व्रत दृढ़ संकल्प लेके बैठा है, तोड़ने मोड़ने का कोई बात ही नहीं पैदा होता। ये तोड़ देंगे दो दिन करके, अरे महाराज कठिन है ये छोड़ दो ये सब, नहीं 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 नहीं, संस्कृत व्रत यतयोहो यू नो यत्नशील वेरी केयरफुल और स्ट्रांग रेजोल्यूशन, स्ट्रांग प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प करके लगाया, बाजी लगाया। तो तात्पर्य यह है कोई कोई द्रव्य दान रूप यज्ञो भी करते रहते हैं, कोई कोई तपयोग करते रहते हैं तपस्या आदि,
कोई कोई जोग रूप जोगो भी करते रहते हैं, और कोई कोई दृढ़ व्रत ज्योतिगण वेद अभ्यास रूप यज्ञ भी करते, क्यों क्यों वेदार्थ परिज्ञान रूप यज्ञ संपादन करते रहते, ये चलते रहते। ये हमारा भारत में थोड़ा बदलाव आ रहा है यूरो सोसाइटी का ये सब, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हर घर घर में बावन गुस्से महाल कहते थे, बड़े बचपन का कहानी, बोले घर घर में सांस डाल गया तो बड़े बैठ गया रामायण महाभारत भागवत पाठ करने में, क्या सुंदर। बोले हर घर में प्रदीप है सुबह में, आज देखो अभी सब बदल गया, सब म्लेच्छ हो गया, अपना नियम तोड़ मोड़ करके सब सब बाबू हो रहा है, साहेब बन रहा है सब। हाय हाय कैसा हालत। ये हमारा भारत भूमि है, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टिवेशन। Those sages after long deliberation have given us immense treasure of spiritual knowledge. But I am so foolish, not ready to accept. Sant Mahatma ne sadiyo purani sab hamara ye gyan hai. Sant Mahatma ne sab diya hai, shastro gyan. Koi lene ke liye tayar nahi hai. Bharat Bhumi adhyatmik, adhyatmik ye to abhyas ka bhumi. भारतीय जो भारतीय है, पक्का भारतीय जो है, ये ब्रिटिश लोग कहते हैं दोज इंडियंस दे आर इन बॉर्न स्पिरिचुअल। देखो क्या बात है, कितना बड़ा बात है। दोज आर ओरिजिनली इंडियन दे आर इन बॉर्न स्पिरिचुअल। अध्यात्म विद्या इसका स्वाभाविक है। ये भूमि ऐसा है, ये पानी ऐसा है, ये वातावरण ऐसा है। जितना भी कोशिश करो, बदमाशी करो, मठ मंदिर का हालत खराब कर दो, ये कुछ भी करो, एक एक करके तुम्हारा हिसाब चुकाना है, तुमको लेना ही है पनिशमेंट, जान के रखना। ये जन्म में बाद जन्म में कर लो, जितना मजा कर लो, मजा लूट लो, बस तैयार हो जाओ। पाखंडी विश्वास ही नहीं है, दूसरा जन्म में विषय हो रहे है? क्या दूसरा जन्म में, चार्वक से भी, चार्वक का बाबा है, चार्वक जैसे बोले क्या है, कुछ नहीं है, सब क्या रखा है, खा लो पी लो मजा कर लो। चार्वक का ज्ञान है, चार्वक ऋषि, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियोगे मजा से जियो, आनंद से, पैसा नहीं है तो उधार करो, उधार करके घी खा लो। अरे मर गया तो अब मर गया तो मर गया तो गया, कुछ नहीं रखा, ऐसा है चार्वक ऋषि, हम चार्वक का बाबा बन के बैठे। अरे साधु गुरु बस कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, मजा लूट लो, ऐसा है छागल कहीं का, लूट लो कितना लूटना है लूटो, कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे देखना है, कहां तक जाओगे हैं? और ये जो बताया वेद अभ्यास संक्षित बोता तो समझ गया, फूल दृढ़ संकल्प बन के बैठा हुआ है, और क्या सब जमाना गया, आहा घर घर में वेद आदि पाठ, उपनिषद नहीं तो रामायण महाभारत पाठ, धूप दीप, बावन गुस्से महाराज कहते अरे बचपन में कितना सुर, संध्या हुआ तो सांग फूकना शुरू कर दिया घर के मैया लोग सब, आहा कहाँ गया सब, साहब बन गया, फॉरेनर बन गया सब, और फॉरेनर लोग आए, आया हमसे सीखने, पिटाई पिटाई कर रहे हैं हम, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बोला और मारो, अरे हम हमारा इधर का आदमी कुछ बोलो तो गला काटने के लिए आ जाए, बदमाश मक्कार। ये जो ज्ञान दीपितो बोला गया है तो समझ गया आप, और इसका बात तो श्लोक, इस बात का श्लोक, द्रव्य योग्यास तपो योग्या जोगो योग्यास तथा परे साध्यायो ज्ञानो योग्याश्च यतयोहो संस्कृतो बता। समझ में आ गया ना, आई बात समझ में, ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ ईजी है, कुछ बात नहीं। अब सोचने वाला बात है दूसरा नंबर श्लोक,
दूसरा नंबर श्लोक 29 अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणा प्राणो गति रुद्ध्या प्राणायामो परायण। ये तीन लाइन देखे एक श्लोक बना है। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणा प्राणो गति रुद्ध्या प्राणायाम परायण अपरे निहतो नियता हारहा प्राणानो प्राणेश जुहति। माने क्या हुआ हमारा, बड़े उल्टा लग रहा है। अपाने जुहति प्राण, क्या बात है। भले माने पहले समझने कोशिश कर, द्रव्य योग्य तो समझ गया, द्रव्य त्याग रूप योग्य शब्दान दक्षिणा ये सब वह स्रोत कर्म है, और बाकी व्यापी कूप आदि कूप खनन किया, कुंड खनन कर दिया, पानी का धारा बना दिया, देव मंदिर बना दिया, दान दक्षिणा है, अन्न छत्रो दान कर दिया, स्मार्त कर्म इत्यादि स्मार्त कर्म ये भगवान के लिए किया जाए तो इसका वैल्यू है। बस एकमात्र तो भगवान का तुष्टि करने के लिए किया जाए तो इसका वैल्यू है जरूर, नहीं तो स्मार्त कर्म तो है ही है। द्रव्य त्याग रूप द्रव्य योग्य ये सकल एवं पत्रम पुष्पम नैवेद्यम ये जो भक्त लोग देता ये भी द्रव्य योग्य ही हुआ, जिसमें मैटर मैटर ओरिएंटेड है द्रव्य योग्य है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि महाराज हम डाल चाल है ना, डाल चाल सब ठाकुर जी के दिए तो द्रव्य ही है तो द्रव्य ये तो जरूर है। लेकिन भक्ति के द्वारा भक्ति भाव के द्वारा जब अर्पण किया जाए तो भगवान इसमें दर्शन करते हैं, लेते भी हैं, प्रसाद बना देते हैं, तब वह चिन्मय बन जा है। तो देखने में जगन्नाथ का प्रसाद तो डाल चाल सभी है, तो है तो बाहरी दृष्टि में, लेकिन ये भगवान का अधरामृत तो प्रसाद है। तो इसमें एक विचार आता है, अनोखा विचार, तो मतलब ये माने आता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छति। ये माने विश्वनाथ चतुर्वेदी पद ने दिया, पत्र हो पुष्प हो फल हो फूल हो कुछ भी प्रेम के द्वारा बड़ा भक्ति के द्वारा ठाकुर जी को दिया जाए तो ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। माने ये आया, माने ये निकल के आया कि अगर भक्ति के द्वारा हम समर्पण नहीं किए तो ये प्रसाद बनने का कोई सवालत है नहीं। आई बात समझ में। जब हम भक्ति एकदम पक्का भक्ति लगा के ठाकुर जी को दे तो भक्ति ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, अगर भक्ति लगा के ना दे तो ठाकुर जी ग्रहण करे ना करे किसको पता है। प्रसाद सेवा करी तो है सकल पपंच जाए, अरे इतना प्रसाद खाते रहते हो गिलते रहते हो कुछ नहीं तरक्की कैसे ऐसे। प्रसाद सेवा करी तो है सकल पपंच जाए, एक प्रसाद पाने से प्रपंच जय हो जाता महाराज, हमारा कुछ नहीं तरक्की कैसा बात है। या तो कोई रसोई कर रहा है, ये चोर है बदमाश है क्या है, तनखा लेके रखे हो, ये के रसोई कर रहा है ठाकुर जी लेगा भोग लेगा। और आप जो पुजारी करते हैं दारू पीते ये करते हैं पुजारी, ये क्या इसका लेगा क्या ठाकुर जी, ये बताओ पहले, ये बताओ पहले लेगा ठाकुर जी। माया देवी एक लात लगा दे, माया देवी भगवान का लात तो फिर भी अच्छा है। तो सब चारों ओर उल्टा विचार चल रहा है क्या करे। तो ये जो द्रव्य योग्यों का बारे में थोड़ा ख्याल आया, तपोयोग का बारे में ये बात आता है कृच्छ चंदयान आदि व्रत उपवास आदि करता है ना तपोयोग, तरह तरह का तपोयोग होता है करते रहते हैं, कृच्छ चंदयान आदि ये सब करते रहते हैं। और ये जो जोग योग्य है ये तपोयोग हुआ, पुरस्रण ये भी तपयोग का अंदर ही आता है।
पुरुषचरण का बड़ा विचार है, साधारण आदमी समझे नहीं पुरुषचरण क्या होता है, कितना संख्यक नाम जप करना है, विशुद्ध भाव से सुबह 3 बजे पहले उठ के उसका बाद तमाम दिनों में जितना यज्ञ हुआ यज्ञ करना पड़ेगा, हैं नाम करो यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन, विशुद्ध ब्राह्मण को भोजन करो, दक्षिणा दो, बहुत सारे पुरस्चरण बहुत कठिन। तो ये जो बात है ये द्रव्य यज्ञ समझा, तप यज्ञ समझा, और ये जो योग योग यज्ञ जो है, ये योग योग का मतलब है चित्त निरोध पूर्वक योग। जैसे पहले बताया ध्यान, वैसे धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसा करके धारणा है। पहले शुरू होगा देखो अष्टांग योग का, अष्टांग योग का विषय में गीता में अगले चैप्टर में आगे बाकी अध्याय में आने वाला है बाद में। अष्टांग योग का जो विभाग है 8, ऐसे तो जम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, जम, नियम बना लो विशुद्ध नियम, उसके बाद आसन में प्रतिष्ठित होने का व्यवस्था करो। एक एक संत महात्मा ऐसा है कि आसन में 8-10 घंटा 12 घंटा बैठे रहे, कुछ नहीं होने वाला, इसको बोलते हैं आसन जाए। अगर आसन जाए नहीं हुआ चंचल मती, 2 मिनट बैठा, अरे हमारा काम है, छलांग लगा के भाई, समझने का कोई इच्छा ही नहीं। तो अष्टांग युग में ये जो जम है, नियम है, आसन बना लो, आसन का तरीका है, आसन बनाने का वो कुर्मासन है, ये है वो है, बहुत सारे, और अर्चन में आसन में बैठे हो तो उसका भी विचार है, उसमें भी मंत्र लगा के बैठना पड़े कि आसन का पर बैठ गया ऐसा नहीं, और जमीन में बैठ कर पूजा करे तो पनिशमेंट मिलेगी, उचित नहीं। आसन बना लो, आसन, काष्ठासन निषेध, काष्ठासन में अर्चन। तो ये आसन है, आसन है? कुर्म देवता को बुलाना चाहिए, ओम आसन मंत्रस्व मेरु पिष्टो ऋषिंग शुतलंग छंदो कुर्म देवता आसन उपवेशने विनियग, ऐसा करके आसन बनाओ, आसन को जमाओ, कितना आपका हिम्मत है आसन में जमे रहो। इसका बाद प्राणायाम करो, प्राणायाम में प्राणायाम करते करते आपका हृदय का चंचल भाव मिट जाए। लेकिन ये प्रामाणिक सोल्यूशन नहीं है, एक बात कह दे, ये प्राणायाम करने से शरीर का मन का जो उत्तेजना एक्साइटमेंट ये तुरंत बस में आए, लेकिन इसी प्राइम ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, फाइनल सोल्यूशन है भक्ति में। जब भगवान के साथ नाता जोड़ जाए, सेवा शुरू हो जाए तो अपने आप हो जाए, काम का वस्तु, चंचलदायक वस्तु कुछ नहीं कर पाएगा, पूरा शांत हो जाए। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम है इसलिए शांत है, इसका मतलब चंचल भाव बिल्कुल नहीं। बाकी तमाम आदमी का बारे में चाहे अष्टांग जोकर कुछ भी करने जाए, गारंटी हम दे नहीं सके। आरुज्जकृच्छेन परम पदम तथा पतति अधो अनादृत जुस्मत अंग्रयो, समझा मेरा बात, आई बात समझ। बड़ा ऊंचा उठा, बस भगवान का चर है, क्या है वो सब सभा सेवा से क्या रखा है इसमें, अरे भगवान का भगवान नित्य है, भगवान का चरण नित्य है, भगवान सेवा नित्य है, नितायर चरण सत्व तार सेवक नित्य, भूल गया क्या है? पखंडी बन गया, हम सब भूल गया। ऐसा करके जब तक भक्त न बन जाए तो कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे हमने देखे हैं शास्त्र में विचार है, बड़ा ध्यान धारणा प्राण सब कर लिया, बस अंतिम में गिर गया, बस धक्का धक, पूरा एकदम 99 से एक मार्क मिले तो 100 में पहुंच जाना है, स्वर्ग पहुंच जाए, स्वर्ग में बस नीचे आ गया, साफ लूडो खेला पूरा नीचे आ गया 0 पे, हरे महाराज इतना कष्ट करके गया सारे नीचे आया।
अष्टांग जो क्या सोबरी ऋषि ने कुछ किया नहीं क्या सोबरी ऋषि कुछ नहीं आगे 60,000 साल का। अरे तमाम गया जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार मतलब है मन को तमाम विषय से प्रत्याहार कर लो हटा लो एकदम। और जिस वस्तु का पास ध्यान जमाना है उसका पास धारणा लगाओ धारणा कंसेप्शन ग्रो करो प्रत्याहार समझाना अपना इंद्रियो ग्राम को मन को हटा लो धीरे धीरे हटाओ हटाओ प्रत्याहार। इसके बाद धारणा जमाओ धारणा कंसेप्शन किस वस्तु का ध्यान करोगे धारणा हुआ धारण का बाद वो ध्येय वस्तु का ऊपर ध्यान जम गया थोड़ा। और ये ध्यान जब एकदम ध्येय वस्तु ध्याता ध्यान सब एक लेवल में आ गया तो समाधि बन गया कौन किसका एकदम समझा मेरा बात। रिभु ऋषि का जो ये जो ध्यान है रिभु ऋषि केवल राधा गोविंद का चरण दर्शन कर और कुछ नहीं। रिभु ऋषि कामबन में वो बद्रीनारायण वहां पहाड़ है उसमें हमने कई बार हमने गए बड़ा आम आदमी चर नहीं सके बड़ा। तो ये जो है अष्टांग योग का सारे समम बता दिया और ऐसा करके साध्याय योग जो है साध्याय योग जो पहले बताया जो साध्याय योग जो है इसमें ब्रह्मचर्य अवलंबन करके श्रद्धा पूर्वक वेदादि अभ्यास कर साध्याय और ज्ञान का पुष्टि बनाना अर्थात अनुभव में नाना निश्चय वेद वेदार्थ ये अर्थ अगर अनुभव के स्वाद द्वारा हृदय में अनुभव के स्वाद हृदय में बैठ जाए इसका नाम है ज्ञान योग वेदोक ज्ञान योग। और ये जो आता है अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अप्राणम तथा परे प्राणा प्राणो गति रुद्ध्या प्राणायामो परायण अपरे नियताहारा प्राणानु प्राणेश जुहति। कुछ देर पहले बता रहा था प्राण अपान उच्छासन अर्थात बहिर्गमन वायु अंतर्नियन अंतर्नेला ये जो है ये जो बाहर फेंकना वायु अंदर लेना अपाने जुहति बाहर फेंक दो अप्राणे अंदर में फिर लाओ प्राणम हैं अपाने जुहति प्राणम अप्राणे अपानम तथा परे ऐसा करके करो ये वायु बहिर्निर्गम निर्गमन हो रहा है ये प्राणवायु और बहिर्देश से अभ्यंतर में वायु लेना यह अपान वायु है ये। सो प्राण निश्वास वायु अपान प्रश्वास वायु प्राणानु इंद्रियानी ये जो बताया सिद्ध स्वामी पद कह रहे हैं ये जो प्राणानु प्राणेश जो थी ये जो प्राणानु ये जो शब्द बताया ये जो सिद्ध प्राणानु इसमें अर्थ लगाया इंद्रियाणी सिद्ध समीपात प्राणानु ये जो जब भी प्राणवायु के द्वारा ही सारे इंद्रिया तमाम एक्टिव रहता है सिद्ध समीपात जी ने बताया यहाँ प्राणानु ये शब्दों के द्वारा ये माने आता है कि प्राणानु मतलब इंद्रियाणी। इस स्थल में प्राण अर्थ में इंद्रिय सकल अन्यत नियत आहार माने मिताहारी बड़ा हल्का आहार करते नियताहार विसर्ग नहीं है नियताहार इतना मतलब मिताहारी बहुत स्वल्पाहारी
योग शास्त्रों का व्यवस्था यही उधर अपना जो फूड सैक है इसमें ज्यादा भोजन कर दोगे कर लोगे तो कोई भजन भजन नहीं बनेगा, आलसी बन जाओगे। हरिनाम का आलसी और भोजन का होशियार, हरिनाम का आलसी और भोजन का होशियार। कब क्या, सुबह में परोठा खाना है आलू का परोठा, दोपहर को छाना का रसा, रात को एक मलाई खाओ, ये सब पक्का है, बस और कुछ नहीं। तो ये योग का व्यवस्था, ये योग में भी व्यवस्था आता है, ऐसे तो प्राणायाम आदि करने जाओ तो बिना खाए करो सुबह में, सबसे बढ़िया, और शाम को करो तो भोजन बिल्कुल पच गया, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। ये बिल्कुल ये नियम है। तो योग शास्त्र का ये व्यवस्था है, हमारा जो फूड सैक है ये मैक्सिमम इसका दो भाग तीन हिस्सा किया जाए तो दो भाग मैक्सिमम। और साधु गुरु वैष्णव को देखा, हाँ हंसते हंसते लुटपुट हो गया। बामन गुस्से महाराज कितना खाते है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा शरीर है और भोजन देखो एक बाल्टी छोटा, ये क्या खाए, इसमें क्या हुआ, ये खा लिया बस, सारा दिन भजन कर रहे। तित्त महाराज इतना खाया, अरे थाली भर के लाया और सब सेवक लूट रहा है, महाराज जी क्या खा रहा है, कुछ नहीं, और सेवक सब खा लूट रहा है, सेवक सब लूट रहा है। वो इच्छा करके देता है, बोले जाने गुरु जी तो खाएगा नहीं, मालपुआ पीठा मालपुआ परमन गुरु जी तो खाएंगे नहीं, वो जाने सब हमारा ही आएगा। अच्छा है, सेवक बनना बहुत फायदादायक है। सेवक बनने से अच्छा है, तो ऐसा करके सेवा करो तो क्या फल। कुछ फल मिलेगा क्या। तो ये जो है ये तो व्यवस्था है योग शास्त्र का, अगर मैक्सिमम खाओ तो दो भाग खाओ, एक हिस्सा पानी से भर दो, चार भाग हुआ, चार भाग में दो भाग चावल से और खाना से प्रसाद पाओ, खूब पाओ, और हो सके तो कम पाओ, इसमें अच्छा है। तो ये अन्नों का द्वारा भर्ती हुआ, दो हिस्सा, एक हिस्सा पानी एक हिस्सा खाली रहे, खाली रहे इसलिए कि वायु अगर नहीं चले तो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ये सब बंद हो जाए, हजम नहीं हो। अब हजम का भी हमने देखे है, जिंदगी में देखे हैं, अपना 80 रसगुल्ला खा गया, अरे बाप रे बाप, उसके बाद डॉक्टर क्या कर रहा है, वो उसका सांस नाली रोक रहा है, वो इसे जो चिमटा है ना, चिमटा से गले से निकल रहा है सर, इतना गला तक आ गया, छागल कहीं का ऐसे खा रहा है, वो खा गया दो बाल्टी खिचड़ी। कहाँ जा रहा है खून जाने है? और बाद में किए हुआ, महाराज सख्त माना है खाना, क्या माना है महाराज, सूजी का रोटी एक है ना फुलका, और माना है वो भी क्यों, पहले खा लिया ना दो बाल्टी खिचड़ी, दो बाल्टी छाना रसा खा लिया, और तुम्हारा माना हम लोग पहले खाया नहीं, अभी खा रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी खा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, जब ठाकुर जी मिला है थोड़ा थोड़ा, खाने का इच्छा नहीं है फिर भी प्रसाद, ऐसे ही नियम है। तो वायु चलाचल के लिए फोर्थ पर्सन चार हिस्सा में ये सब नियम, और ये जो श्लोक हमने बताया अपाने जुहति, ये श्लोक का ये अर्थ आया, ये माने आया, जे कोई कोई योगी अपान अपाने प्राणम, अपान वायु में प्राण वायु, और प्राण वायु में अपान वायु जोहति होम करते हवन करते हैं, और दूसरा कोई है अपरे नियता नियताहारः मिताहारी होके है प्राणा प्राणगति प्राण एवं अपान वायु का संचालन रोध करके कुंभक, इसको बोलता है प्राण अपान वायु का संचालन बंद करके कुंभक रुद्ध कर देता है, इसका कुंभक रुद्धा रोध करके प्राणायामो परायण, ये प्राणायाम परायण
प्राणायाम परायण हो जाते हैं, प्राणानु प्राणेश ज्योति, अर्थात इंद्रिय सकल को प्राण समूहे आहुति देने लग जाते हैं। समझा मेरा बात? आई बात समझ में? ऐसा बोला ये दूसरा, कभी कभी कोई योगी अपान वायु में प्राण वायु का आहुति प्रदान कर देते हैं, कोई कोई ऐसा है कि प्राण में अपान वायु आहुति दे देते, और दूसरा और भी है कोई जो मितहारी होके प्राण एवं प्राण और अपान वायु का गोतिरोध करके कुंभक और प्राण प्राणायाम परायण हो जाता है, होके इंद्रियो गण को प्राण में आहुति दे देता है, इंद्रियों का तमाम इंद्रियों का एक्टिविटीज खत्म, खत्म मतलब फॉर द टाइम बीइंग नो एक्शन, शांत हो जाता। अब ये जो आता है प्राणायाम अर्थो प्राणवायु का निरोध, प्राण प्राणवायु, आयाम निरोध, प्राणायाम, समझा? ये तीन प्रकार का होता है, पूरक रेचक कुंभक। पूरक अंदर में ले लेना पूरक है, छोड़ देना वायु रेचक है, और प्राण अपान वायु का गोती का रोध कर देना कुंभक है। तीनों किस्म का ऐसा भी हमने देखे हैं कि प्राण वायु को स्टोर करने का कुंभक इतना पावर है कि वो घंटा पे घंटा अपना मस्तक को मिट्टी का अंदर डाल के मिट्टी पिट्टी देके और पैर जो है ऊंचा में, ताकि लोग प्रणामी डाले, अरे बाबा बाबा प्रणाम करे पर प्रणामी डाले। कोई कोई है प्राण वायु में क्यों, कोई कोई है अपान वायु में प्राण वायु का आहुति दे देते हैं, पहले कह दिया। और ऐसा भी है प्राण प्राण वायु हृदय से बाहर जा रहा है, अपान वायु बाहर से हृदय में ग्रहण करता है, ये आहुति है एक प्रकार का। प्रश्वास के द्वारा वायु के अर्थात अपान वायु के शरीर अंदर प्रवेश कराने से प्राण वायु का गति रोध हो जाता है, इसका बात को याते इसमें प्राणों में अपान अपाने प्राण आहुति हो जाता है। समझा मेरा? इसमें अंतकरण में वायु हमारा अंदर में वायु पूर्ण हो जाता है, इसका पूरक बोला जाता है, पूरक प्रणाम पूरक प्राणायाम। उसके बाद अगर पूरक रेचक बंद कर दो तो कुंभक हो गया, समझा? ऐसा करके कोई कोई अपान में आहुति देते हैं प्राण वायु को, हृदय से निस्सारण करके अपान वायु, अपान वायु अंत प्रवेश रूप, ऐसा करके रेचक कुंजब ऐसा सब बता दिया, करते रहते हैं और सारे बता दिया। अपरे न्याता हारहा प्राणानु प्राणेश जुहति, ये प्राणानु अर्थ इंद्रियो सकल को प्राण वायु तो आहुति दे दिया और इंद्रियो सारे शांत हो गया, अब कोई रास्ता ही नहीं, ऐसा कर दिया। और क्यों कोई कोई है प्राण अपरण वायु का अंदर प्राण अपरण वायु के रोध करके प्राणायाम परायण हो जाते हैं, कुंभक करके वायु को अंदर में निरुद्ध कर दिया, इसका नाम है कुंभक। कोई कोई व्यक्ति का कुंभक इतना अभ्यास करते करते इतना बढ़ा दिया कि कुंभक का इतना पावर है घंटों भर वायु को निरुद्ध करके रह जाता है। ये अभ्यास का ऊपर, प्रैक्टिस का ऊपर, कुछ नहीं है। सो इसमें क्या होता है, एक कुंभक के द्वारा आप प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो। ऐसे तो हम बोलें कि आप चैतन्य महाप्रभु का दिखा हुआ संकीर्तन करो, फिर भी अगर जानना चाहो तो प्रैक्टिस करके देख सकते हो इसमें। लेकिन मनमानी प्रैक्टिस करने से उल्टा फल मिले, जिसका जानकारी है वो करे, उल्टा करे तो उल्टा फल मिले। ऐसे कुंभक शरीर स्थिर होने से, कुंभक के द्वारा शरीर स्थिर होने से आप देख सकते हो, चंचल मन हो जाए ना, और इसमें हमारा रास्ता है संकीर्तन शुरू करो,
तो अगर ये रास्ता में जाओ देखो करके देखो, इंद्रियगण इंद्रियगण प्राण वायु में लय हो जाता है, चंचलता बिल्कुल खत्म। ऐसा होने का हर हालत में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ही है। बाकी जो 30 नंबर श्लोक में बताया ठाकुर जी, सर्वे ओपी एते जग्गो बीदो जग्जो खैत कलम सहा, समझा, सर्वे ओपी एते जग्ग बीदो यज्ञ खैत कलम सहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, समझा, यज्ञ खैत कलम सहा मतलब ऐसा तरह तरह का जो पद्धति बताए यज्ञ के द्वारा खैत माने खय प्राप्त नासितो कलमसो ये साम ते एव का ये यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा पाप राशि विनाश होके रह जाते। यज्ञेनो खैतः नासितः कलमसो येषां ते, जिन लोगों का यज्ञ के द्वारा पाप राशि भस्मीभूत हो गया, यज्ञ राशि यज्ञ द्वारा विनष्ट हो गया, ऐसा अगर कोई है, एते सर्वे ओपी यज्ञ बीद, ऐसा कोई यज्ञ बीद अगर है, यज्ञ खैत कर्म सहा यज्ञ के द्वारा विनाश प्राप्त कर्म ये जो पाप आदि नाश प्राप्त हो गया, भवंती अर्थात पवित्र हो जाते हैं। पवित्रहा भवंती, ये सब सभी सारे पवित्र हो जाते हैं। और ऐसा यज्ञ के शेष जो चीज है प्रसाद रह जाते हैं, यज्ञ का यज्ञ शिष्टामृत भुजम, ये यज्ञ करने के बाद जो अवशेष शेष रह जाता है ये अमृत बन के रह जाता है, ये प्रभाव है। सही ढंग से अगर किया जाए तो कोई अगर शूद्र करना शुरू कर दे होगा नहीं, ये सही ढंग से किया जाए तो यज्ञ शिष्टामृत भुज अमृत स्वरूप यज्ञावशिष्ट भजन कारीगण ये सनातन ब्रह्म यान्ति, अर्थात ये इतना पवित्र होके सनातन ब्रह्म को प्राप्ति करते हैं। सर्वे ओपि एते यज्ञ वीद यज्ञ क्षयित कलमसः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, कहा जाता है, कहा जाता है ब्रह्म में जाए, कहा जाए, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कूत अन्नः कुरुसत्तमः, हे कुरुसत्तमः कुरुकुल में तुम श्रेष्ठ हो, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, यह बताया नायम लोकोस्मि नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य, जो जो ऐसा यज्ञ नहीं करते अर्थात भगवान का जो यज्ञ सृष्टि यज्ञ चल रहा है, भगवान का जो सृष्टि यज्ञ चल रहा है, भगवान का जो जगत चक्र चल रहा है, इसमें अगर किसी का कोई योगदान अगर है नहीं, किसी व्यक्ति का बिल्कुल नहीं, नायम लोकोस्ति, ऐसा व्यक्ति का कोई यह लोक में भी शांति नहीं है और दूसरा लोक में जाके क्या करे, कुछ नहीं है। नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ में हिस्सा नहीं लेते, कुछ करता ही नहीं, नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तम, हे कुरुकुल खानदान में तुम श्रेष्ठ हो अयज्ञस्य अर्थात यज्ञानुष्ठानहीन व्यक्तियों का, अयम लोको यह लोक में कुछ नहीं है और दूसरा लोक के बारे में क्या, न अस्ति अन्न कुत, अन्न लोक कहाँ, मरने का बाद क्या मजा लुटेगा, कहाँ जाए मरने का बाद, कहाँ जाए जाके भी क्या करे, ये तो खत्म। तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य यह है कि ये यज्ञ संसार का नियम है, संसार यज्ञ चल रहा है,
जगत चक्र। हर व्यक्ति का अपना अपना हिस्सा है, योगदान होनी चाहिए और आपस में हिलमिल एक दूसरे का सहायता करके तमाम समाज संसद चल रहा है। तमाम समाज संसद जो ऐसे ही चल रहा है आपस में हिलमिल एक दूसरे का साथ टैग के द्वारा आदान प्रदान इत्यादि करके ये पूर्ण जगत चल रहा है। ये समाम जगत, पूर्ण जगत मतलब पूर्ण जगत नहीं, ये पूरा जगत ये बोलना चाह चल रहा है। एक शब्द भी निकल गया उल्टा है, उल्टा समझेगा हमने क्या बोला। ये तो ही जगत चक्र चल रहा है और इसमें आदान प्रदान देना लेना ऐसा करके जगत एडजस्टमेंट करके चल रहा है, ऐसा त्यागी है। और इसमें क्या है, वैदिक समाज का जो सिस्टम है सही ढंग से विचार किया जाए तो बड़ा साइंटिफिक है। इसमें हर व्यक्ति का कोई एकदम तमाम धकाधक चले इतना सुंदर, किंतु कोई माने नहीं है, माने तब ना। इसमें सब कोई का बेचैनी हटेगा। ये जो विश्व जोग्रह चल रहा है इसमें जिसका किसी योगदान है ही नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसका लिए ये जो इस जगत में योग यो काल अतः इस जगत में तो कुछ नहीं बना, ये जगत में कुछ नहीं बना। और दूसरे शरीर छोड़ने के बाद तो कहां जाना है, उभय नष्ट, उभय नष्ट मतलब यह काल परकाल, यो काल परकाल, ये जगत में और दूसरा जगत में पूरा खत्म। ये जगत में और दूसरा जगत में ये शरीर छोड़ने के बाद कहां जाओगे, तारे खत्म। यो काल परकाल उभय विनष्ट हो जाता है, इसके जीवन जो है व्यर्थ हो जाता। मोघम मोघम परतो सजीवोति, ये जो बताया अब इसका बारे में बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या चाहिए क्योंकि समझेगा नहीं इसका तात्पर्य क्या है, ये दूसरा श्लोक में हम बताएंगे। आप तो व्याख्या करने का समय नहीं बचा, हो सके तो काल चर्चा करने का कोशिश करेंगे। जो योग्यावशिष्टो द्रव्य हो क्यों अमृत बोला जाता है, और तीसरा अध्याय में तेरहवा श्लोक में ऐसा बताया, देखना। योग्यावशिष्टों को द्रव्य को अमृत बोला जाता है, तीसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक। ये अमृत तो क्या है इसका बारे में भी ध्यान से सोचना चाहिए। अब ये श्लोक दूसरा श्लोक बोल के इसका व्याख्या काल हो पाएगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजानो विद्धि तानो सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्षसे। समझा, ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मा का मुंह से, एवं बहुविधा बहु किस्म का यज्ञो, वो यज्ञ है का बहुविध यज्ञ विस्तार है, विस्तारित रूप से है। वितता माने विस्तृत है, विहित किया गया। तानो सर्वानो, ये सब जो है कर्म ज्ञान विधि कर्मद्भूतो ऐसे एवं ज्ञाता ये जान के आप इसका जो कौशल है, इसका जो रहस्य है, ये जानने का बाद आप विमोक्षसे, इसका काल चर्चा हो पाएगा। आज नहीं हो पाएगा, समय हो गया। इदं शरीरं सतसंधिजर्जरं पतति अवश्यं परिणाम पेशलं किमौषधं पृच्छसि मूढ़ो दुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिबो। वांछा कल्पतरुषि के पासिंद पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमः।